इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। क्या हो जाते हैं कोई भी मुल्क हो तो उसको अपनी मैशियत को संभालना उसके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि अब दुनिया से अलग थलग रह के कोई मुल्क भी जिंदा नहीं रह सकता। पाकिस्तान के अंदर भी बेशुमार तजर्बे किए गए। कभी कहा गया हम अमेरिका के ब्लॉक में हैं, कभी कहा गया हम चीन के ब्लॉक में हैं, कभी ये कहा गया कि अमेरिकी सरमायाकारी से पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, फिर कहा गया चीन हमारा बड़ा दरीना दोस्त है, और फिर जब सी पैक की बात हुई और सी पैक के नतीजे में ये खबरें सामने आने लगी कि अब सी पैक गेम चेंजर साबित होगा, और सी पैक जब मुकम्मल होगा तो पाकिस्तान के अंदर खुशहाली भी आएगी, बैरूनी इन्वेस्टमेंट इसके साथ और जुड़ी होगी, दीगर ममालिक भी इससे रिलेट कर जाएंगे, वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मीशत को बड़ा एक्सपोर्ट मिलेगी, और जिसके नतीजे में रोजगार भी आम होगा और महंगाई में भी कमी होगी और आम आदमी की जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन कुछ अरसे से बहुत से सवाल उठते हैं, क्या सी पैक उसी तरीके से चल रहा है जैसे माजी की हुकूमत में चल रहा था? क्या डेवलपमेंट का काम कहीं रुक तो नहीं गया? फिर अमरीकी इंतजामिया की तब्दील होने की वजह से, क्योंकि ये खबरें भी आती हैं कि पाकिस्तान के ऊपर बैरूनी दबाव भी है सी पैक को स्लो करने का, लेकिन हुकूमत कहती है कि नहीं, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। फिर चीन की हुकूमत के हवाले से भी कुछ ऐसी नेगेटिव खबरें आती हैं कि शायद चीन नाराज है। नाराज है तो क्यों नाराज है? आज के प्रोग्राम में इस बात का हम जायजा लेंगे कि सी पैक मनसूबा कहां तक पहुंचा है, गेम चेंजर है तो कैसे गेम चेंजर है, और अगर गेम चेंजर होगा तो कब तक पाकिस्तान इसके सम्राट से मुस्तफीद हो सकेगा। मेरे साथ आज बड़ा ही एक मुअज्जज़ पैनल मौजूद है, इकानमी के हवाले से, सी पैक के हवाले से, बैरूनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, फिर खारजा पॉलिसी के हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक वजीर खजाना भी हैं, इस वक्त पंजाब हुकूमत के मशीर हैं मुआशी मामलात के हवाले से, उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, सी पैक के अमूर के माहिर हैं, मईशत दान भी हैं, चीन के अंदर भी उन्होंने बड़ा वक्त गुजारा, पीएचडी भी की, और खास तौर पर सी पैक के हवाले से जो पूरी मनसूबाबंदी है इस पर भी उनकी गहरी निगाह। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सरदार तनवीर इलियास साहब, मामले खसूसी हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब के और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के चेयरमैन भी हैं, पाकिस्तान में और पंजाब में बिलखसूस जो सरमायाकारी की बात की जा रही है कि सरमायाकारी की तरफ लोगों का रुझान है, दीगर ममालिक सरमायाकारी आना चाह रही है, लेकिन शायद जो इस वक्त के अदाद व शुमार है वो मुख्तलिफ पिक्चर पेश करते हैं, उनसे भी पूछेंगे कि सरमायाकारी कैसे होगी। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, अगर क्विकली मैं आपसे पूछूं, सी पैक मनसूबा जो खबरें हैं रुक गया है, स्लो हो गया है, कोई ऐसी खबर में सदाकत है? अच्छा, इसमें स्लो होने का जो सवाल आता है आमतौर पर, ये कुछ और रीजंस हैं जिसका बुनियादी रीजन सिर्फ ये नहीं है कि चाइना हमसे खुश है या नहीं खुश, ये मामलात कुछ और हैं। इसमें इस तरह से है कि गवादर के अंदर आपने देखा होगा कि तीन बर्थ्स के साथ जो है वो पोर्ट ऑपरेशनल है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन चुके हैं, उनकी जो एलोकेशन फेज वन कंप्लीट है और फेज टू की तरफ हम आ गए। रशकई से आपने देख लिया होगा कि उसका जो क्याम तो हो गया, अब इंडस्ट्रियल जोन फैसलाबाद है, उसकी डेवलपमेंट आपके सामने है। अच्छा, यहाँ पर भी देखें कि जो गवादर पोर्ट के अंदर इस टाइम पर पांच चीजें हैं जो कि हॉस्पिटल, वोकेशनल इंस्टीट्यूट और बाकी चीजें उनकी तरफ से डेवलप हो चुकी। मैन्युफैक्चर ये जो टोटल जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ये 65% है, 15% आपका एनर्जी है और बाकी परसेंटेज इसी तरीके से डिवाइड होती है। तो सी पैक के अंदर पाकिस्तान के लिए ये स्ट्रेटेजिक अहमियत इसलिए है, और गेम चेंजर भी हम कई दफा कहते हैं कि चाइना के लिए पहले तो समझ लें कि ये डिफेंस प्रोजेक्ट है, क्योंकि आपने जो अभी बात की कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई है अमेरिकन, इसके लिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बैरूनी खदशात तो हैं, और चाइना को, चाइना के प्रोसेस को चेंज करने के लिए और स्लो करने के लिए काफी हद तक बैरूनी पाकिस्तान पर दबाव हो सकता है। बिल्कुल हैं जी, बिल्कुल हैं, और उसके लिए बहुत सारे ऐसे मामलात होंगे जिसमें चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर ना रहें, लेकिन पाकिस्तान के लिए सी पैक नागुजीर इसलिए भी है क्योंकि खित्ते में बहुत सारी तब्दीलियां वाकिया होने वाली हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि अभी यूएई और उसके अंदर मामलात जो है वो बेहतरी आ गई, और आप ये भी देखा होगा कि कतर के साथ तो पिछले दिनों बॉर्डर बंद था, अभी सऊदी बॉर्डर खुल गया। मैं बहुत अगर खुलकर बात ना करूं तो हमें समझना होगा कि ये किस तरीके से डायरेक्शन जा रही है,
और सी पैक हमें स्ट्रेटेजिक अहमियत और डिफेंस के हिसाब से भी काफी जरूरी है। अगर हम बाकी सारी चीजें साहब हम कहते थे कि आम आदमी इससे मुस्तफीद होगा, वो कौन से मंसूबे होंगे इससे आम आदमी मुस्तफीद होगा? अच्छा, इसमें अभी सलमान शाह साहब ने बात की और बड़ी डिटेल में बात कर दी, बहुत अच्छा है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात समझने की है कि दो चीजें समझ नहीं आ रही। जो प्राइवेट सेक्टर है अब तक चीन के साथ वो फायदा नहीं उठा सका जो कि उठाना चाहिए था। पाकिस्तान ने इंडस्ट्रियल जोन्स बना दिए, जो इसको SEZs कहा जाता है, नौ इकोनॉमिक जोन्स हैं। उनके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पाकिस्तान में जो इस्तेमाल होता है वो अमरीकी निजाम के मुताबिक GDP जो कि कैलकुलेट किया जाता है, जो कि मैन मेड है और मैन मेड फिगर्स के मुताबिक बनता है। अच्छा, दूसरा उधर जो वहां पे निजाम होता है वो काइचेक मॉडल है। अब उस काइचेक मॉडल के अंदर जो है वो तीन चीजों से वो ट्रेड को देखते हैं कि आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी है, आपके मामलात कितने हैं, आपकी टेक्सटाइल्स कितनी है, आपकी टोटल इंडस्ट्रीज का नेट निकाल करके वो उस चीज के ऊपर फिगर बनाते हैं कि आपका और हमारे दरमियान में कैसे होगा। तो अब हो ये रहा है कि उस चीज को सबसे पहले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हैंडल कर रही है, जैसे शाह साहब ने कहा B2B हैंडलिंग होगी। अब बाद में प्राइवेट सेक्टर को जब ये समझ आ जाएगी तो ट्रांजैक्शनलिटी के अंदर आसानी हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर GDP की वजह से हम कर रहे हैं, उधर काइचेक मॉडल है और बाकी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो तेजी से इस सूरत में आएंगी कि बहुत सा जो इंडस्ट्रीज हैं वो अब इस तरफ का रुख कर रही हैं और आपके सामने डेवलपमेंट। सीपैक इन्वेस्टमेंट है या लोन है? सम टाइम ये भी लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट है कम है लेकिन लोन ज्यादा है। अच्छा, पहले फेज के अंदर आपने देखा कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं इसको, बेल्ट एंड रोड या ईटा ईलू या वन बेल्ट वन रोड, इसका मकासद का ही ये थे कि जो 70 ममालिक तक ये फैला तो इसमें श्रीलंका, भारत, और भारत अब तक जो है वो बेशुमार मैन्युफैक्चरिंग कर चुका। अब भारत सॉरी जो बंगला है, बंगला ने ले लिया, श्रीलंका ने ले लिया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। पाकिस्तान में पहला इसका मकसद ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, जिसको आप लोन की सूरत कहते हैं, इसको बेसिकली उन्होंने ग्रांट किया था, वो ग्रांट की सूरत में हमारे पास आ गया, ये लोन की सूरत में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अब अगर जो बाद में लोन लेंगे वो डिफरेंट एंगल है, वो मईशत का दूसरा एंगल है कि अगर हम अमेरिका से ले रहे हैं या कहीं और से ग्रांट ले रहे हैं वो अलग है, ये ग्रांट्स थी, लोन्स नहीं थे। अच्छा, दूसरे जो मैटर होंगे जो कि आपकी बिजनेस डील्स होंगी उसके अंदर आपका ये मेट्रो और ट्रेन वगैरह ये लोन है, ये आपका ग्रांट्स थी। उस ग्रांट्स के बाद जो है वो डिफरेंट सेक्टर के अंदर जब ये जब ऑपरेशनल एक्सरसाइजेस होंगी वो फिर लोन के सूरत में आएंगी। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि ये कब तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, मुकम्मल हो जाएगा उसको? अच्छा, अब ये देखें कुछ चीजें जो आपकी मैंने आपको अर्ज की कि अभी सलमान शाह साहब ने कहा कि इंटरनेशनल एक पूरा का पूरा वाइब ऐसा आया है जिसकी वजह से ये स्लो डाउन में हुआ है, लेकिन 2023 तक काफी सारी चीजें मुकम्मल हो जानी है और उसके बाद 2030 तक इस चीज को जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं ये मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह यूनिवर्सिटीज हैं, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, बाकी चीजें हैं, इंडस्ट्रीज हैं, आप देखें इकोनॉमिक जोन्स के अंदर लातदाद सेक्टर्स ने आना है। अब उसकी जो आपने सीपैक अथॉरिटी बनी है और उस अथॉरिटी के तहत जो अब आपके हिसाब के डायरेक्शंस हैं वो बड़े रिविजिट भी किया है, फ्री जोन भी बन रहा है। फ्री जोन के अंदर प्राइवेट सेक्टर ने देखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी टिल्ट चेंज करना पड़ेगा, ये जो अमेरिकन टिल्ट है आपके जो बिजनेस डिजाइन का, इसको थोड़ा तब्दील करना होगा। मैं आम तौर पे अमूमी बात करूं कि लोग मजाहन भी ये बात करते हैं कि तो गाइज ये वीडियो होता है यहाँ पर खत्म, आप ये वीडियो यहाँ से छोड़कर जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे थे पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रहा था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपको पता होगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बेसिकली है क्या, ये एक कॉरिडोर है जिसमें चीन जो गल्फ कंट्री है या अरब कंट्रीज़ है वहाँ से अपना माल सप्लाई या वहाँ से अपना माल वहाँ पर अपना पहुँचाएगा, तो इसके लिए उसे चाइना से एक रोड मार्ग चाहिए था जो कि उसके पास नहीं था। और उसने मतलब प्लान बनाया कि इसे कैसे मतलब डेवलप किया जाए, तो उसमें पाकिस्तान एक ब्रिज का मतलब रोल प्ले कर रहा है। लेकिन आपको पता होगा कि ये सीपैक में इंडिया का जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर, ये POK से भी गुजरता है, जिसको लेकर इंडिया ने कई बार एतराज़ जताया है, आपको पता होगा ये। तो दोस्तों ये सीपैक पिछले कई लंबे समय से
प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, पाकिस्तान को भी नहीं पता ये प्रोजेक्ट है क्या। आपने इस पाकिस्तानी एंकर की कन्फ्यूज़न से ही आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तानी एंकर्स और पाकिस्तानियों को जर्नली इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। बस इन्हें बस ये चीज़ पता है, सीपैक मतलब पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता, मतलब ये पाकिस्तान की तरक्की की चाबी है। मतलब इनकी जनता और इनके एंकर को एक ही चीज़ दिमाग में घुसड़ी गई है और वो इन्हें पता है। तो आपको बता दें, बेसिकली पाकिस्तान एक ब्रिज का मतलब रोल प्ले करेगा, लेकिन आपको पता है चीन ऐसा देश है, अगर वो उस ब्रिज से निकलेगा तो कुछ दिन में उस ब्रिज को ही कैप्चर कर लेगा। जैसे कि आपने पिछले कई देशों में हिस्ट्री जो मिली है, आपको पता होगा श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट था, जो श्रीलंका ने खूब लोन लिया चीन से, खूब जम के लोन लिया, और वो लोन नहीं चुका पाया, तो अब हम्बन टोटा पोर्ट चला गया है 99 ईयर्स के लिए चीन के पास लीज पर। ऐसा ही कुछ यहाँ पर पाकिस्तान भी चीन से ज़बरदस्त लोन ले रहा है और सीपैक भी एज अ लोन ही काम कर रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तानी एंकर भी कह रहे हैं कि सीपैक क्या लोन है, क्या ये क्या है, उन्हें कुछ भी खुद नहीं पता है। तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान की पोजीशन इस समय कितनी गंभीर है, और पाकिस्तानी अपनी मतलब पोजीशन को ही लेकर इतनी खुशी मना रहे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। आपको बता दें, सीपैक से चीन को ये फ़ायदा होगा, सीपैक को जो माल भेजना होता था अरब कंट्रीज़ या अफ्रीकन कंट्रीज़, बेसिकली अरब कंट्रीज़, अगर मैं चाइना से दूसरा पॉइंट लूँ तो चीन को लगभग 50 दिन लगते थे, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो नया रास्ता बनेगा इससे उसका सफ़र 10 से 15 दिन में हो जाएगा। अब ऐसा पता नहीं कैसे होगा। आपको पता है कि चीन बेसिकली, ये बेसिकली जो रास्ता है आप इस इमेज में देख सकते हैं, गवादर पोर्ट जो डेवलप किया जा रहा है, ये बेसिकली बलूचिस्तान का हिस्सा है, और बलूचिस्तान में चीन ने गवादर में जो एरिया डेवलप किए हैं वहाँ पर या तो चाइनीज़ भाषा लिखी हुई है, यहाँ तो इंग्लिश भाषा लिखी हुई, उर्दू तक को वहाँ पर जगह नहीं दी गई है। तो पाकिस्तानी खुद अब कुछ इनको मज़ा आने वाला है, जैसा कि ये आपको पता है पाकिस्तानी मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, खुद अपने खुद तकदीर लिख रहे हैं या फिर तकदीर को कैद कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ बोलना चाहूँगा। क्योंकि पाकिस्तानी इतने अभी कन्फ्यूज्ड हैं, अगर कोई देश अपने किसी दूसरे देश के साथ इतनी बड़ी ट्रेडी साइन करता है या इतना बड़ा कुछ प्रोजेक्ट साइन करता है तो उसके बारे में उसे फुल इन्फॉर्मेशन होती है, या उसके एंकर से मीडिया को फुल इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट के बारे में अभी तक या ये भी नहीं पता कि ये लोन है, ये क्या है, इससे कैसे इन्वेस्टमेंट आएगा, कैसे दुनिया का दूसरा इन्वेस्टर पाकिस्तान में आएगा। मतलब आप समझ सकते हैं, ये चीज़ें पहले ही डिसाइड हो जाती हैं किसी प्रोजेक्ट को बनाने से, उससे पहले ही इस चीज़ों का सब कुछ आकलन हो जाता है, लेकिन पाकिस्तानियों को अभी भी मतलब टॉप क्लास एंकर जो हैं इनके, उन्हें भी कुछ नहीं पता है सीपैक के बारे में। तो ये गजब की कन्फ्यूज़न चल रही है पाकिस्तान में, और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो बंदा है बोले जा रहा है कि ये इससे बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा, ये आएगा, वो आएगा, अब ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं। हालाँकि सीपैक आपको पता है चीन का तो इसमें ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। चीन को बेसिकली क्या है, चीन का जो साउथ चाइना सी से लंबा चक्कर लगता था वो कम हो जाएगा, दूसरा चीन को रोड मार्ग मिल जाएगा, पैसे उसको लगने वाले हैं नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली चीन ने इतनी सारी रोड बनाई है, ट्रेन बनाई है, तो पाकिस्तान को एज अ लोन बनाई है, पाकिस्तान अब उससे जो बेनिफिट उठाना चाहे उठाएगा, या तो पाकिस्तान रोड के किनारे ढाबे खोलेगा, पंचर की दुकान खोलेंगे पाकिस्तान, यही सब कर सकते हैं, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और आपको पता है रोड लाइन, रेल लाइन, ट्रेन, बिजली पूरे भारत में ब्रिटिश वैसे ही फैला के गए थे, पाकिस्तान भी उसका हिस्सा था, पाकिस्तान का भी रोड और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने उसका क्या फ़ायदा उठाया, उसे बर्बाद ही किया, तो कोई फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर शेयर करें।